देवी और सज्जनों, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के बारे में एक विशेष बात हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं। माननीय मंत्री पर अपने क्षेत्र की पंचायत के हर पद पर न केवल निर्वाचित हुए हैं, बल्कि उन्होंने वहां पर हर पद पर काम किया है। सो पंचायत से पंचायती राज मंत्रालय, इससे ज्यादा सक्षम नेतृत्व की अपेक्षा हम नहीं कर सकते थे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय मंत्रीवर से अनुरोध है कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। आज के इस कार्यशाला के अवसर पर मंच पर उपस्थित अभी जिन्होंने अपने मार्गदर्शन किया, और हमारे मंत्रालय के सेक्रेटरी सुनील कुमार जी जिन्होंने ऑनलाइन हमें मार्गदर्शन किया, और जयश्री रघुनंदन जी, राधा आश्रित जी, संजय कुमार जी, चंद्रशेखर कुमार जी, विकास आनंद जी, रामित मौर्या जी, राज्य के विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी सेक्रेटरीगण, वरिष्ठ पदाधिकारी, पंचायत राज मंत्रालय के पदाधिकारीगण एवं कार्यशाला में उपस्थित सभी महानुभव भाई और बहनों, इस कार्यशाला का ये निकलता नहीं क्या निकलेगा इसको जरा मेरे हेड ज्यादा है, वो ऊंचा जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य डेटा इकोसिस्टम बनाने के लिए मंत्रालय पोर्टल को एकीकरण करने के लिए रोड मैप विकसित करना, पंचायत में LSDG के साथ संकलन और योजनाबद्ध प्रगति का आकलन करना है। मेरी पहचान कराई गई। मैं सुनील जी, आज मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद आई एक नायक पिक्चर की, जिसमें एक दिन का CM आपने देखी होगी ना। मुझे अगर किसी ने मौका दिया कि आपको पीछे जाके कौन सी जिंदगी या कौन से पद पे दोबारा काम करने के लिए अच्छा लगेगा, तो मैं जाके सरपंच बनूंगा। कि मैं जब सरपंच था तो कुछ नहीं था उस वक्त, 6,000 रुपये का इनकम था मेरा पंचायत का, और 6,000 से शुरू किया हुआ काम आज मुझे कहाँ तक लेके आया है। ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आज ऐसा लगता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं सरपंच बनूंगा। तो क्यों बनूंगा, कल जब मेरे पास विकास आया था ब्रीफिंग के लिए, मैंने कहा कि अगर मैं सरपंच होता ये 2 महीने के अंदर सब खत्म कर देता। यहाँ पे हमारे कल शेट्टी जी बैठे हैं। मैं जब जिला परिषद में काम करता था तो जैसे जिला परिषद का अध्यक्ष बना, मैंने ठान लिया कि किसी को नंबर नहीं दूंगा, और दोनों साल एक नंबर मेरी जिला परिषद आई थी। ऐसे कुछ इनोवेटिव करते रहता था। तो मैं सरपंच इसलिए बनना चाहता हूँ कि मेरे को देख के सारे सरपंच एक काम करें, और जब इस तरह से काम होगा तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है श्रेष्ठ गांव, वो गांव बनाने से हमारे सरपंच को हमें कोई नहीं रोक सकता। अभी आप सभी लोग यहां पे आए हो, मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूं, आप लोगों ने अगर ठान लिया ना
तो गांव गांव में ये इंडेक्स पंचायतों के, जैसे हमारा साथी अभी इसने कहा बगाटे ने, ये समझ में नहीं आ रहा था, फिर इसके पास भेजो उसके पास भेजो, तो आप अगर चाहोगे तो किसी के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैंने कई बार कहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा, ये कार्यशाला में आपको ऐसा लगता होगा कि आप ही लोग क्यों, सुनील जी ने बताया कि कौन कौन आए हैं, कैसे कैसे आए हैं। मैंने इससे पहले भी कई बार भाषण में कहा है कि जितनी बड़ी जगह होती है उतना बड़ा घर नहीं होता है, और जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा उसका दरवाजा नहीं होता है, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा उसका ताला नहीं होता है, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है। फिर भी वो एक छोटी सी चाबी के ऊपर पूरे घर को हम लोग छोड़ के कहीं पे भी महीना दो महीना छह महीना चले जाते हैं, वो चाबी के ऊपर का हमारा विश्वास है। इसी तरह आप भी वो चाबी हो, भले जितना बड़ा राज है उतना बड़ा आपका काम नहीं है, लेकिन आप भी ये सारे सिस्टम की वो चाबी हो जिसके भरोसे पे ये सारा काम किया जा सकता है। ये मैंने देखा तो मेरी भी आज क्लास लग गई आप लोगों के साथ, मुझे लगा था कि मैं जाऊंगा एक आधे घंटे में निकल जाऊंगा, लेकिन आज मेरी भी क्लास लग गई। ये 9 थीम है हमारे, 144 टारगेट है, 577 इंडिकेटर है और 688 डाटा पॉइंट है। ये सरपंच लोगों को समझ में आएंगे नहीं आएंगे मैं यहां नहीं कहूँ, बता नहीं सकता मैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमें हर एक पंचायत का परीक्षण करना पड़ेगा। ये शुरू करने से पहले 30 लोगों ने किया, इनको तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, 3-4 जिलों ने किया महाराष्ट्र में। आज के तारीख में कई ऐसी पंचायतें हैं, शायद 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी उन्होंने अचीव कर लिए होंगे, लेकिन उनको जानकारी नहीं हो सकती है। जैसे मैं हमेशा सुनील जी और मैं बैठते तो मैं कहता हूँ कि मेरे गांव में तो 40 साल से हर घर में नल से पानी आ रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, हेल्थ की सुविधा अच्छी है, गांव में कोई महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं है, बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव हो रहा है। अभी ये तो 5-6 तो अचीव हो ही गए, ऐसी कई पंचायतें हो सकती है जिनको ये पता नहीं है। ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मैं कहाँ पे खड़ा हूं ये अगर मुझे मालूम रहेगा आज, तो फिर मुझे कहाँ जाना है ये मैं तय कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे पास 6 अचीव कर ले तो अभी 3 ही बचे हैं, तो फिर मैं 3 की तरफ जाऊंगा। क्योंकि अभी आप लोगों से तो मैं पूछ नहीं सकता कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किन किन को पता है बताओ। हमारे महाराष्ट्र में कॉन्फ्रेंस थी हमारी, मैंने पूछा था, सारे सरपंच थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, मैंने पूछा किसको किसको पता है, ये हाथ ऊपर आया था। ये हमारा फेलियर नहीं है, हमारे मंत्रालय की तरफ से बराबर प्रयास हो रहा है, हम सब लोग मिलकर अगर ये करेंगे। अभी स्टेट में जो इनिशिएटिव लेना चाहिए वो आप लोगों के बगैर हम ये अचीव कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप और हम साथ में मिलकर ये करेंगे तो और जल्दी और अच्छी तरह से हम इसको कर सकेंगे। मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहा करते थे, कोई भी बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, इसकी जो पहचान है
वो तो नेचुरली पिताजी के नाम से होती है। अभी जैसे मेरा नाम पढ़ा गया कपिल, मेरे पिताजी का नाम मोरेश्वर है, तो ये मेरी पहचान हो गई। ये तो अपने आप आ जाती है, जब से अपना नाम रखा जाता है ये पहचान अपने से जुड़ जाती है। लेकिन मेरे पिताजी कहा करते थे कि ये मैंने दी हुई पहचान है, लोग तुम्हें मेरे नाम से जानते हैं, ये मोरेश्वर पाटिल का लड़का है। लेकिन मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, मेरी बात गाढ़ बांध के रख ले, ऐसा मुझे कहा था। मुझे उस दिन का इंतजार है कि जब लोग मुझे कपिल पाटिल का पिताजी मैं जा रहा हूं तो ऐसे बोलेंगे, उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। मेरे पिताजी की सोच ऐसी थी कि मेरे लड़के के नाम से मुझे जाना जाए। अभी आपको लगा होगा कि ये यहां बताने का कारण क्या, ये इसलिए बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल एक पंचायत इन्होंने की, तो पंचायत का कोई तो सरपंच है, सरपंच को कैसे जाना जाता है, ये गांव का सरपंच है। ये अगर सारे इंडेक्स हम लोगों ने पूरे कर दिए ना, तो सरपंच की पहचान ऐसे हो जाएगी, वो सरपंच के नाम से गांव को पहचाना जाएगा। ये काम करके हमको दिखाना है। आज हम लोगों ने जैसे महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम लिए, इसी तरह से जब मैं मेरे ऊपर से ही बताते रहे तो पहले लोग बोलते थे मेरा गांव का नाम अंजूर दिवे है, मैं अंजूर दिवा में रहता हूं। आज लोग बोलने लगे ये कपिल पटेल का गांव अंजूर दिवा है, ये पहचान बन गई। तो इस तरह से हमें काम करते समय इजी से इजी क्या हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो कल की बात है, मुझे अभी चंद्रशेखर जी बता रहे थे कि मॉल न्यूट्रिशन में भी काम करने का वो भी एक शायद इंडिकेटर होगा, ऐसा उन्होंने बताया। आपने कल किसी ने पीएम साहब का भाषण सुना होगा तो आपको ध्यान में आएगा, हमारे पार्टी का सम्मेलन था, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर ये मॉल न्यूट्रिशन कहीं पे है, अगर गांव में किसी का जन्म, गांव में तो कितने जन्मदिन हो गए बताइए, 10 दिन किसी ना किसी का तो हो ही सकता है। उन्होंने कहा हमारा जन्मदिन है तो हम वो आंगनवाड़ी में गए, खाना बना के लेके गए, वो पौष्टिक आहार लेके गए, उनके साथ खाना खाया। वहां पे कोई अगर माल न्यूट्रिशन का बच्चा है तो उसके ऊपर आने में उसको मदद होगी नहीं होगी, इतना सिंपल एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जी ने दिया। इस तरह से हम लोग गांव में ये जो हमारा इंडेक्स है इसको अचीव करने के लिए ऐसे कुछ लोगों को बता सकते हैं क्या, जैसे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का राधा जी ने बताया तो हमें भी जाने का मौका मिलता है बहुत जगह पे। मैं एक बार झारखंड में गया था सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में, वो हमारे वहां के भाइयों से मैं बात करते समय मैंने उनको पूछा आप लोग क्या करते हो, वो महुआ के फूल होते हैं, वो फूल इकट्ठा करते हैं, उसको सुखाते हैं और कई मार्केट में जाके दवा के लिए बेचते, दारू के लिए नहीं। हाँ कितने पेड़ है ये भी मैंने पूछा था, अभी बराबर मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी को 60,000 रुपया मिलता था, किसी को 1.5 लाख मिलता था। मैंने वहां डीएम से कहा था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कलेक्टर से, कि क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या। मैंने जानकारी ली फॉरेस्ट ऑफिसर से, कितने साल में इसको फूल आते हैं, वो बोला 6 साल में पेड़ बड़ा होता है फिर उसको फूल आना शुरू हो जाता है। अभी 6 साल बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं है ना, अभी किसी के पास 10 पेड़ है, अगर उसके पास जगह है तो हम लोगों ने मंदरागा में उसको और 100 पेड़ लगा के दे दिए, तो 10 पेड़ में उसको 60,000 मिलता है, तो 100 पेड़ लगाए तो कितने पैसा मिलेगा, दवा तो लगना ही वाला है, दारू में जाएगा तो और ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन हमें उन्होंने खुद कहा कि हम एक कौन से स्टेट का नाम लिया, वहां पे जाके एक मेडिसिन की फैक्ट्री में जाता है सुखाने के बाद, जो हमारा एक थीम है सबको रोजगार मिले। ये सिंपल आइडिया है, कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करनी है क्या इसमें, लेकिन वहां वो डीएम ने किया होगा तब, क्योंकि आपने एक बार भेजा हमको वहां पे, दोबारा हमको जाने का मौका नहीं, वो परीक्षण कैसे होगा।
दूसरी बार दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया, तो वहां पे आपके पास जो रिपोर्ट भी आती है हमारी, उसको भी एक बार देखना चाहिए कि इसको किस तरह से, आखिर में ये कहीं ना कहीं पे जाके गांव के विकास के लिए, गांव में रहने वाले इंसान के विकास के लिए ही काम में आता है। और सबसे बड़ी बात, मैं जब जिला पंचायत का वाइस प्रेसिडेंट था, उस वक्त से मैं टीचर लोगों से जब संवाद करता हूं, हमेशा मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो बुलाते ही बुलाते, 5 सितंबर को टीचर डे के दिन, मैं उनको हमेशा कहता हूं कि टीचर को आईना देखने की जरूरत नहीं है, वो टीचर कैसा दिखता है इसके लिए उसको आईना दिखने की जरूरत नहीं है, टीचर की प्रतिमा वो स्टूडेंट में दिखती है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमारी प्रतिमा पंचायत में दिखे? हम इस तरह से काम करें कि हर एक पंचायत में हमारी प्रतिमा दिखेगी तो हमें आईना देखने की जरूरत नहीं है। हमें लगता होगा आईना बहुत कमजोर होता है, आईना तो एकदम कमजोर ही होता है ना, फटाक से टूट जाता है, लेकिन सच बताने में आईना किसी को नहीं डरता है, आईना हमें सच ही दिखाता है, भले वो कमजोर होगा, टूटने वाला होगा, लेकिन वो सच दिखाने से डरता नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे, क्योंकि अभी आपका स्टैटिस्टिक सब इतना हुआ है तो मैं इसमें जाऊंगा नहीं, ये बहुत सारा उसी मंत्रालय से दोनों है, नीति आयोग से और ये स्टैटिस्टिक मंत्रालय से। देखो हमारा हर एक, हमारे जो वरिष्ठ होते हैं या जिनको हम देख के काम करते हैं, उनके प्रति हमारी कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है। वैसे हमारे हमारे देश के प्रति, स्टेट के प्रति, डिस्ट्रिक्ट के प्रति, तालुका के प्रति, गांव के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। एकमात्र भारत देश ऐसा है, इस देश को भारत माता कहा जाता है, इसी देश को माता कहा जाते हुए सुना है आपने, और एकमात्र भारत देश ऐसा है जहां धरती को भी माता कहा जाता है। वो धरती के प्रति भी, धरती ऐसे समझो कि हमारा गांव, और भारत माता, दोनों माता हमारे, माता के ऋण से तो कभी कोई आदमी मुक्त हो ही नहीं सकता, जितना उसके लिए हम लोग अच्छा सा करके अपने माता का नाम रोशन करने की कोशिश करें, वही हम लोग कर सकते, ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते उसके। तो एक दिन ऐसे एक बालक के मन में शंका आ गई, वो स्वामी विवेकानंद जी के पास गया, उसने कहा कि हमेशा ऐसा ही क्यों बोला जाता है कि माता के ऋण से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता, पिता के ऋण से मुक्त कोई हो नहीं सकता, ऐसा क्यों नहीं बोला जाता है? उन्होंने कहा तेरे सवाल का मैं जवाब नहीं देता, तुम्हें अपने आप मिलेगा, मैं एक उसको बोलते हैं ईंट लेके आओ, एक कपड़ा लेके उसके पेट पे बांध देते हैं, उसको बोलता है ऐसा करो ये 3 दिन तुम्हारे पेट पे रहने दे, उसको छोड़ना नहीं, खोलना नहीं है, जो भी तुमको करना है, नहाना है तो भी इसको बांधे रखना है, खाना खाना है तो भी बांधे रखना है। ये चला जाता है बांध के, घर पे जाता है परेशान हो जाता है, ना खाना खा सकता है, ना बैठ सकता है, ना उठ सकता है, ना सो सकता है। 3 घंटे में वापस बालक आ जाता है स्वामी विवेकानंद जी के पास, उन्हें बोलता है महाराज भले मेरे सवाल का जवाब मत दो, लेकिन ये बोझ जो मेरे पेट पे बांधा है इसको तो खोल दो। वो बोला भैया तेरे सवाल का जवाब भी मिल गया तुम्हें, देखो तो माता के ऋण से मुक्त होना चाहता है, ये 3 घंटा तू संभाल नहीं पाया 1 किलो ईंट का वजन, तो तेरी माता 9 महीने तक पेट में तेरे को लेके सारा काम करते रहती है, वो माता के ऋण से तू मुक्त होने के बारे में सोचता है। मेरा कहना यह है कि हमें मुक्त नहीं होना है, इसके ऋण में रहना है, इसलिए हम भारत माता हमारी है,
धरती माता हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर अगर ये सोचेंगे तो ये जो आंकड़े मैंने पढ़े इतने बड़े नहीं है। 9 थीम, 144 टारगेट, 577 इंडिकेटर और 688 डेटा पॉइंट, ये बड़े नहीं, दिखने में बड़े लगते हैं, लेकिन अगर ये हम लोग करेंगे ना, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आज विश्व भारत को जिस नज़र से देख रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में जो काम हो रहा है इसके लिए, इसके वजह से, तो आज हम विकसित है क्या नहीं इसका दावा मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये दावा जरूर करूंगा कि ये अगर हम लोगों ने 269,000 पंचायतें हमारी है, ये अगर हम लोगों ने सारे पंचायतों में किया, तो हमें भारत को विकसित राष्ट्र बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। और उस वक्त हमें गर्व महसूस होगा कि हमारा योगदान इसमें है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि गांव की तरफ ध्यान नहीं होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि उन्होंने गांव को ही फोकस किया। आप जब भी देखो उनके स्पीच में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहेगा या तो स्वामित्व का जिक्र रहेगा, हर एक स्पीच में, यूनाइटेड नेशन में भी इसका जिक्र करते हो, तो इसकी अहमियत है जो हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे प्रधानमंत्री जब इस तरह से बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए हमको ही योगदान देना पड़ेगा। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है, ये तुम्हारा इंडेक्स का है, इसका कोई इसमें मैं जो बता रहा हूँ इसमें नहीं है। मैंने 17 अप्रैल को जब राष्ट्रपति महोदया के हाथों से जब पुरस्कार दिए गए उस वक्त भी मैंने कहा था कि हमारे इसमें एक ड्रिंकिंग वाटर का थीम है, हर घर जल हर घर नल, जैसे जल शक्ति मंत्रालय का। तो इसमें क्या हो रहा है आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट को 2,000 करोड़ रुपए का फंड है। कितना? मेरे डिस्ट्रिक्ट को। महाराष्ट्र को पूरा कितना होगा पता नहीं, अभी आप सारे सेक्रेटरी लोग बैठे, आपके यहाँ पे भी कितना होगा पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसी अमाउंट होगी 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़। इसमें मेरे ध्यान में जो बात आ गई मैं आपको बताता हूं, ये 2050 का पॉपुलेशन पकड़ के हम लोग ये योजना को कर रहे हैं। अभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे सोर्स ही डेवलप नहीं हुआ या सोर्स सही नहीं, और योजना का सारा एस्टिमेट बन गया, सब बन गया, उसका टेंडर लग गया, वो पानी कैसे आएगा? भले वो पानी मंत्रालय का काम होगा लेकिन काम हमारे गांव में हो रहा है, हमको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। अभी आप ग्राम विकास के अगर सचिव हो तो आपको बात करनी पड़ेगी, भैया ये पहले डेवलप करना पड़ेगा इस तरह से, या तो फिर आपके यहाँ जिला परिषद के जो सीईओ है, अलग अलग जगह पे कई कई डीएम काम करते हैं बहुत सारे राज्यों में, तो उनके माध्यम से भी करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कितना बारीकी से सोचते हैं, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी आजादी के 75 अमृत काल में, 75 साल में अमृत काल में हम लोग हैं, सभी सांसदों को उन्होंने कहा एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर हम लोग बना सकते हैं क्या, सब लोगों ने इनिशिएटिव लिया। किया भाई कुपवारा में गया था, जम्मू कश्मीर के कोई है क्या, श्रीनगर से मैडम है यहाँ पे, वो सागर डोई फड़े डीएम है वहाँ पे, उसने 400 अमृत सरोवर बनाया एक डिस्ट्रिक्ट में। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सोच कैसी प्रधानमंत्री जी की है। देखो मैंने उस दिन कहा था जब राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम था, ये हमारे दादाजी ने
कुएं में पानी देखा था, हमारे दादाजी ने नदी में पानी देखा था, हमारे पिताजी ने कुएं में पानी देखा, हमने नल के टैब में देखा, हमारे बच्चों ने बोतल में देखा। अभी हमारे पोते कहाँ देखेंगे, कैप्सूल में। हम इसी तरह अगर निगलेक्ट करते रहेंगे ना, तो हमारे बच्चे पानी अपने आंखों के आंसू में देखेंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर भी सोल्यूशन निकाला और 75 अमृत सरोवर बनाया। हमें महाराष्ट्र के लोग होंगे तो हमारे यहाँ जलयुक्त सिवार जो महाराष्ट्र सरकार ने बनाए थे, ऐसे हरेक राज्यों ने अपने अपने प्रयास किए होंगे। वो क्यों किए, जमीन में पानी की पातली बढ़े और हमारे जो पोते हैं ये आंखों के आंसू में नहीं, फिर से हमारे दादाजी ने जो नदी में पानी देखा था वो नदी में पानी देखे, इसलिए वो प्रयास प्रधानमंत्री जी का है। तो हमें जिम्मेदारी के साथ ये सारा करना पड़ेगा। नहीं तो प्रधानमंत्री योजना बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, आखिर सारा उसको करना तो हमें ही है। मैं तो हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मंत्रालय जो प्रयास कर रहा है सुनील जी के नेतृत्व में, हमारे सारे मंत्रालय के लोग, आप लोग भी सारे सपोर्ट कर रहे हम लोगों को, जो मतलब मैं तो देख रहा हूँ, मैं ये सारे सिस्टम से आया हूँ, 20-22 साल इस सिस्टम में मैंने काम किया है, मुझे नहीं कभी दिल्ली आने का मौका मिला, ना मैं सरपंच बन के आया था, ना जिला परिषद अध्यक्ष बन के कभी आया। ये क्यों प्रयास हो रहा है, ये गांव तक यहाँ का जो विचार है वो पहुंचे। आज हमारा एक सचिव आके यहाँ पे आप लोगों के सामने बात करता है, वो बोला मुझे डर लग रहा है। बागाटे जी, जो काम करता है आदमी कभी नहीं डरता है, काम करने वालों को क्या सच्ची बोलना है, जो किया वो जाके बताना है। डर किसको लगता है, जो नहीं करता है, जो नहीं करता है उसको डर लगता है, मैं जाके क्या बोलूं अभी। इसलिए हमारे सारे सरपंचों में इतनी हिम्मत आई है, ये आप सभी लोगों के और हमारे मंत्रालय के प्रयासों से। मैं जब सुनता हूं एक एक सरपंच का स्पीच यहां पे तो मुझे आश्चर्य होता है, जब हम थे तो इतने शर्मिंदा थे, कैसे कैसे इतने शर्मिले थे, शर्मिंदा नहीं शर्मिले। तो ये ऐसी ऐसी आके बातें हमारी सरपंच बताते हैं, इनोवेटिव उन्होंने जो किया है काम वो बताते हैं। तो मुझे खाली आपसे यही कहना है आखिर में, कि आप अगर उनको अच्छी तरह से मोटिवेशन देंगे, उनके काम को अप्रिशिएट करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सारे जो है एक साल के अंदर सारा हमारा ग्राम पंचायत का इंडेक्स जो है डेवलपमेंट का, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारा अचीव करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मुझे, मैं दावे के साथ कहूँगा। क्योंकि अपनी छवि ऐसी हमें बनानी चाहिए कि लोग हमें हमारी हैसियत से नहीं तो हमारे काम के वजह से याद रखें, काम के वजह से पहचाने। और इस तरह से छवि अगर बनानी है तो हम सभी को योगदान देके काम करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आज यहाँ से जाते समय आप संकल्प करके जाएंगे कि जो सारे इंडेक्स है इसको अचीव करने के लिए जो भी हमको योगदान देना पड़ेगा वो पूरा योगदान हम देके हमारे राज्य को, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट करके 30 पंचायतों का हुआ, तो मैं कल ही बता रहा था विकास जी को कि ये और डिस्ट्रिक्ट में भी यशदा ने जाना चाहिए, और SIRD सब स्टेट में तो होगा, तो SIRD के माध्यम से अभी ये पायलट प्रोजेक्ट में ऐसा लगना चाहिए कि होड़ लगी हुई है, स्पर्धा लगी हुई है। मेरे को जो नोट दिया था, कहा कहीं पे लिखा है कि वर्ल्ड शीत स्पर्धा, ऐसा ही कुछ लिखा है शायद, हाँ प्रतिस्पर्धा, शीत प्रतिस्पर्धा। तो ये कैसा होना चाहिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी समझो एक दिव्यांग है पैरों से, और दूसरा दिव्यांग है आंखों से,
अभी दोनों रास्ते के किनारे खड़े, गाड़ियां आती जा रही, आ रही जा रही है, दोनों को रास्ता क्रॉस करने नहीं आ रहा। कैसे करेंगे रास्ता क्रॉस दोनों? एक तो चल नहीं सकता, उसको दिखता है लेकिन चल नहीं सकता, दूसरा चल सकता है लेकिन उसको दिखता नहीं है। फिर हमारे सुनील जी वहां पे आया, उन्होंने आइडिया दिया उनको, अरे ऐसा क्या कर रहे हो, रोड क्रॉस करना है आपको। अंधे को बोला तू चल सकता है ना, जिसको पैर नहीं उसको बिठा दे अपने कंधे पे, और जिसको पैर नहीं उसको बोला कि तू बता दे इसको अंधे को कब जाना है रास्ता क्रॉस करके। इसी तरह से ये करना पड़ेगा हमको, जिसके पास जो है पंचायतों में जिन्होंने किया है उसका देख के दूसरे ने उसको कंधे पे बिठा के जाना चाहिए। जब हम इस तरह से करेंगे तो मुझे नहीं लगता हमें कोई रोक पाएगा या रोड क्रॉस करने में कोई दिक्कत आ जाएगी। तो इसी तरह से हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों का गांव बनाने के लिए, भारत बनाने के लिए हमारा योगदान देने के लिए कटिबद्ध रहे, यही कह के मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।